कुरुक्षेत्र गुरुकुल अपना एक स्थापना दिवस मना रहा है। 2 और 3 नवंबर को कुरुक्षेत्र गुरुकुल में स्थापना दिवस समारोह के मौके पर सांस्कृतिक समारोह के साथ साथ जीरो बजट खेती और गौ रक्षा का मंथन होगा। कुरुक्षेत्र गुरुकुल के स्थापना दिवस समारोह पर 2 नवंबर को हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु शिरकत करेंगे और 3 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समारोह में पहुंचेंगे। कुरुक्षेत्र गुरुकुल शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर माना जाता है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत इसके संचालक रहे हैं। स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता हिमाचल के राज्यपाल आचार्य देवव्रत करेंगे। गुरुकुल कुरुक्षेत्र का 106वां वार्षिक उत्सव हर वर्ष की तरह धूमधाम से मनाया जाएगा। 2 नवंबर से इसका आरंभ होगा। सुबह यज्ञ होगा, उसके बाद 9 बजे हमारे डिप्टी कमिश्नर कुरुक्षेत्रा झंडा फहराकर और दीप जलाकर इसका शुभारंभ करेंगे। उसके बाद 11 बजे हमारा प्रोग्राम होगा, जीरो बजट प्राकृतिक खेती और गोरक्षा सम्मेलन। शाम को 3 बजे 2 तारीख को ही हमारा प्रोग्राम है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि कैप्टन अभिमन्यु जी वित्त मंत्री हरियाणा होंगे और उस फंक्शन की अध्यक्षता राज्यपाल हिमाचल प्रदेश आचार्य देवव्रत जी करेंगे। और रात को 7 बजे से 11 बजे तक हमारे भजन अध्यक्ष, हमारे बच्चे नाटक और गीत संगीत का प्रोग्राम चलेगा। 3 तारीख को सुबह 9 बजे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश गुरुकुल पधारेंगे और गुरुकुल के इस 106वें वार्षिक उत्सव पर जीरो बजट प्राकृतिक खेती के बारे में, गुरुकुल के बारे में वो सारी जानकारी लेंगे और आए हुए हमारे अतिथियों की को संबोधित करेंगे। अपना भाषण देकर अपने जो गोरक्षा के बारे में, जीरो बजट के बारे में ये सब जनता को बताएंगे। इसी के साथ ही 1 बजे हमारे फंक्शन का समापन होगा और इसी दिन हमारे बच्चों की 15 दिन की छुट्टियां होंगी दिवाली की, वो अपने अपने घर जा सकेंगे।